जैंग्स फ्राइड राइस के लिए हमें सब में पहले ऑयल चाहिए 1/4 कप, आधा किलो चावल फुल डन बॉइल्ड, 2 eggs बीटन। अच्छा देखें, राइस में अगर आपको लहसुन का फ्लेवर पसंद है तो ज़रूर डालिएगा, आई लव गार्लिक तो मैं ज़रूर डालूंगी। नहीं पसंद है ना डालें। वन टेबल स्पून दो अंडे फेटे हुए, फौरन नहीं हिला रही हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट उसको छोड़ के फिर हिलाऊंगी। ताकि वो मोटे मोटे टुकड़े रहें। ठीक है, अब इसके बाद अंडे डालने के बाद जब स्क्रैम्बल बन जाएगा तो इसमें हम सारी सब्ज़ी डाल रहे हैं, प्याज चॉप 1/2 कप, गाजर चॉप्ड 1/2 कप, ठीक है, उसके बाद बंद गोभी चॉप्ड 1 कप, इसमें सब चॉप्ड है, सॉसेजेस चॉप्ड 1/2 कप, मशरूम्स 6 स्लाइस, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी डार्क सोया सॉस 2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, बिकॉज चावल बॉईल करते वक्त नहीं था इसमें नमक। चावल डाल दीजिए बॉइल्ड 1/2 kg, हरी प्याज 1/2 कप, पत्ते हरी प्याज के, अच्छी तरह 2 चम्मच ले लें अपने हाथ में और मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया, जैंग्स फ्राइड राइस रेडी है। आज के चावल 8 लोगों के लिए हैं, सर्विंग बता रही हूँ आपको। जैंग्स फ्राइड राइस, अच्छा उबले चावल 1/2 किलो, कटी प्याज 1/2 कप, कटी गाजर क्यूब्स 1/2 कप, कटी बंद गोभी 1 कप, कटे सॉसेजेस 1/2 कप, डार्क सोया सॉस 2 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी प्याज 1/2 कप, तेल 1/4 कप, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, मशरूम स्लाइस 6 अदद, फटे हुए अंडे 2 अदद। Add some masala to your life.